प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एज हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं डेविसन जर्मर प्रयोग तथा इसके निष्कर्ष के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, हम सबसे पहले इस डायग्राम की जो बनावट है, हम बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से समझना है, बनावट क्या है इसकी। हम अगली वीडियो में जो इसकी कार्यविधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये डेविसन जर्मर प्रयोग की व्यवस्था होती है, ये इसमें डायग्राम होता है। इस व्यवस्था के मुख्य तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? इसके मुख्य पहला जो भाग इसका मुख्य है वो इलेक्ट्रॉन गन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा ऐसा मुख्य भाग बताते हैं निकल क्रिस्टल और तीसरा ऐसा मुख्य भाग बताते हैं आयनन कक्ष। ये इस व्यवस्था के मुख्य तीन भाग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन और निकल क्रिस्टल और आयनन कक्ष या आयनन, इसको आयनन का कोस्ट भी कहते हैं, इसको आयनन कोस्ट या आयनन कक्ष। देखिए, तो हम ये व्यवस्था आपको दिख रही है, इसमें तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसका नाम गन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जैसे बंदूक में से गोली निकलती है, सेम उसी प्रकार से ये जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉन गन, इसमें से तेज, इसमें जैसे गोली निकलती है उसी सेम प्रकार से तेज वेग से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जाना जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन होता है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक धातु का फिलामेंट लगा दिया जाता है। जी हाँ, इसके अंदर ये धातु का फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट को यहाँ बैटरी के साथ में जोड़ दिया जाता है ताकि गर्म होकर के और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहे। इस इलेक्ट्रॉन गन के सामने यहाँ पे एक निकल एक क्रिस्टल लगाया जाता है और इस क्रिस्टल के सामने यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं एक वर्ताकार पैमाना होता है। इस वर्ताकार पैमाने के मध्य भाग में यहाँ पे एक आयनन कक्ष या इसको आयनन पोस्ट भी कहते हैं लगाया जाता है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, हम पहले तो एक एक की बात करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ये धातु का फिलामेंट लगा दिया जाता है, ये जैसे ही बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऊर्जा प्राप्त करके ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि धातु का बना होता है, गर्म होकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे प्रकाश धारा प्रभाव की वजह से, प्रभाव के कारण। इसके आगे डायफ्राम लगा दिए जाते हैं, डायफ्राम इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों की गति में यहाँ पर परिवर्तन ना हो और ये बिल्कुल सीधे यहाँ पर टकराएं, इसलिए उनकी गति में इधर उधर को रुकावट ना पैदा हो, इसलिए यहाँ पे डायफ्राम लगाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ सीधे निकलते हैं, यह इनके सामने एक निकल एक क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल पर ये इलेक्ट्रॉन आकर के टकराते हैं। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। अब है निकल क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है ये एक विवर्तक का काम करता है। जी हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो जाता है, यहाँ पे ये एज ए विवर्तक के रूप में कार्य करता है और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, टकरा करके वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ आ जाते हैं टकरा करके फैल कर, यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन जब टकरा करके इधर आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराते हैं इससे इनको आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज कहा जाता है। तीसरा इसका भाग है वो है आयनन कोस्ट। ये क्या होता है भाई, निकल जो क्रिस्टल है इसके सामने ये लगा होता है आयनन कक्ष या आयनन कोस्ट। देखो, इसमें एक व्यवस्था और होती है, ये जो हमारा जो निकल क्रिस्टल होता है इसको हम
इलेक्ट्रॉन जो पुंज है इसके सापेक्ष हम इसको घुमा सकते हैं, इसको इस तरह लगाया जाता है ताकि हम इसे जो किरण पुंज है हम इसके सापेक्ष इसको घुमा भी सकते हैं। अब ये जो हमारा आयन जो कक्ष होता है इसे हमारे आयन कक्ष के अंदर जैसे CO2 है SO2 कुछ गैस भरी होती हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन के पश्चात सीधे इसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, इसमें एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि इसमें CO2 SO2 कुछ गैस भरी होती हैं तो ये उन गैसों का आयनीकरण कर देते हैं, अर्थात गैसों को आयनों में विभक्त कर देते हैं। और इसके पास में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और इसमें उन गैसों का वो आयनीकरण कर देते हैं, यानी उनको आयनों में बांट देते हैं, जिससे यहाँ पे ये आयन बन जाते हैं। आयन बनने से धारा उत्पन्न हो जाती है और उस धारा को इस धारा मापी के द्वारा उसको माप लिया जाता है। ये यूं कहें कि ये जो आयन कोष्ट होता है हम इसमें हम इसके द्वारा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं विवर्तन के पश्चात हम उनकी तीव्रता को भी इसके द्वारा मापन कर सकते हैं। तो इसका मुख्य काम होता है विवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का मापन करना, तीव्रता को मापना। एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है, हम इस वृत्ताकार पैमाने पर इसको हम खिसका सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्था होती है हम इसको इस पूरे पैमाने पर इसको हम कहीं पर भी इसको तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसको कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक इसको खिसका सकते हैं। तो ये इसके मुख्य तीन भाग थे, इलेक्ट्रॉन गन हो गया और निकल क्रिस्टल हो गया और हमारा आयनन कोष्ठ, ये इसको आयन कक्ष भी कहते हैं। ये मुख्य इसके तीन भाग थे। इसके पास में ये इस तरह लगाया जाता है, हम इसे घुमा भी सकते हैं, इसको बाद में इसके पीछे लगा होता है। तो ये इसके मुख्य तीन भाग होते हैं और हम अगली वीडियो में इसकी जो कार्यविधि है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये इसकी बनावट थी, हमने इसके बनावट बारे में अध्ययन किया, इसके मुख्य तीन भाग समझा कि भाई इसमें क्या क्या होता है, कौन सा भाग क्या कहलाता है, तो हमने अध्ययन किया इनके बारे में। अगली वीडियो हम इसकी जो कार्यविधि है इसमें कार्य कैसे होता है, इसमें विवर्तन कैसे होता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।